हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने मक्की की रोटी बनाने जा रहे हैं। मक्की की रोटी के लिए हमने मक्की का आटा लिया है, नमक, कटी पालक ली है, प्याज और अजवाइन। पालक की जगह हम मेथी भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हमने पालक ऐड कर दी है, प्याज डाल दिया है, स्वाद अनुसार नमक और अजवाइन। अब इन सबको हमने मिक्स कर देना। अब हल्का हल्का पानी डालकर आटे को गूंथ लेना है। यह हमारा आटा गूंथ कर तैयार हो गया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। यह हमारा आटा 5 मिनट के बाद सेट हो चुका है। अब हमने छोटा सा पेड़ा लेना है, इसको इस तरह से गोल कर लेना है। इसको इस तरह से हमने हथेली से धीरे धीरे गोल करना है। तवा गर्म हो चुका है, इसके ऊपर तेल लगा लें। अब हमने गर्म तवे के ऊपर इस तरह से रोटी को रख देना है और हल्के हाथों से इसको धीरे धीरे से प्रेस करते हुए फैला देना है। एक तरफ से सिकने के बाद इसको हमने इस तरह से पलट देना, साइडों पे हल्का हल्का तेल और डाल देना। इसी तरह से इसको दूसरी ओर पलट दें। ये देखो, हमारी दूसरी तरफ से रोटी अच्छी तरह से सिक चुकी है। अब इधर भी हल्का हल्का तेल लगा दें। अब 1 मिनट के लिए निचली तरफ से इसको अच्छी तरह से सिकने दें। यह हमारी मक्की की रोटी बनकर तैयार है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे मक्खन रख के नाश्ते में सर्व कर सकते हैं और इसे साग के साथ भी सर्व किया जा सकता है। उम्मीद है आपको हमारी ये मक्की की रोटी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू।